हाँ बताओ, क्या नाम है आपका? देविंदर। कौन से गांव से हो? जीनिया। कौन सा जिला? जिला बरेली। तहसील? हरिपुर। ये मिर्च की खेती आपने करी थी, तो आप अपना पूरा तजुर्बा बताओ, आपने क्यों, क्या किया, क्या हुआ? मुकेश जी, मिर्च में क्या समस्या आ रही थी? मिर्च नहीं हो रही थी, इसमें मिर्च कतई लगी ना आ रही, तो फूल झड़ रहा था। क्या हो रहा था? फूल रुकिए ना आ रहा हूँ फिर क्या? मैं आपकी दवाई लगाकर तो फूल ने फूल रुकना शुरू हो गया। हाँ, आलम करने लगा। और फिर उसके बाद क्या किया? उसके बाद क्या, नरवाई फुलवाई लगी नहीं फिलहाल। कौन कौन सी दवा लगाई? बायो 95 और स्टीम रिच। हाँ हाँ, दोनों मिला के लगाई। हाँ। नहीं, आप बताओ आपने कौन सी, कैसे लगाई, कैसे ली, किससे ली थी? राम निवास, आ जाओ इधर। राम निवास पहुँचो जरा, आप इन्हें बताओ आपने क्या क्या दिया था। कोई बात नहीं, हम लोग गांव खेत में ऐसे होते हैं। अच्छा बताओ इनको क्या क्या दिया प्रोडक्ट आपने? बता रहा हूँ, बायो फिट के कौन कौन से प्रोडक्ट दिए? स्टेनलेस और बायो 95। हाँ जी। कितना कितना एमएल दिए थे? एक टंकी में 15 लीटर में एक टंकी 25 ml और 7 ml, मतलब 25 ml स्टीम रिच और 7 ml बायो 95। उसके दोनों के स्प्रे के बाद इनकी मिर्च का रिजल्ट जो है ये आया है। ऐसी लदी हुई मिर्चें आई थी, ऐसी मिर्चें तोड़ेंगे? हाँ, एकदम तोड़ लेंगे। आप अपने जो आसपास के किसान हैं बरेली के और पूरे देश के, उनको क्या बताना चाहोगे कि इसका इस्तेमाल करना चाहिए या बेकार है, ये सब क्या है? अरे इस्तेमाल करें, लाभ मिलेगा। कितना लाभ आपको, कितना लाभ मिला? हमें तो बहुत लाभ मिला। कितना तब भी, कितनी तोड़ हुई आपकी इसमें? नहीं, भिंडी में मतलब, भिंडी में भी तो स्प्रे किया था। हाँ, भिंडी में भी 15 किलो फायदा मालूम पिए पर। करीबन 15 किलो बढ़ गया, कितने दिन में? 2-3 ग्राम बढ़ गया। 3 दिन में। अच्छा ये बात आप सही बोल रहे हो ना? हाँ सही बोल रहा हूँ, कोई इसमें झूठ तो नहीं है? जो 15 किलो आ रही थी वो 30 किलो तोड़ पे चली गई। 15 किलो लोग रोकते फिर 30 किलो हो गई। 30 किलो हो गई 3-4 दिन के अंदर। अच्छा, तो अभी भिंडी दे रहे हैं? अभी बंद कर दिए भिंडी? अभी चल रही है, चल रही है, वही तोड़ बरकरार है। अभी आप स्प्रे कर रहे हो? अभी एक सोच रहा है, एक कर देंगे स्प्रे। अच्छा, तो किया क्यों नहीं अभी तक जब फायदा मिल रहा है? वो स्प्रे कही है, वही चल रही है, अब फिर कर देंगे तो फिर लाभ उतना ही हो जाएगा। मतलब आप, मुझे ये लग रहा है इनको जरूरत से ज़्यादा फायदा हो गया पहली बार में ही, इसलिए दोबारा लगाने के मूड में नहीं, वो बात नहीं है। चलो ठीक है, इन्होंने, ये गाँव पड़ता है जिगनिया, तहसील फरीदपुर में, और इन्होंने मिर्ची और भिंडी पे स्प्रे किया है, जिला बरेली। हाँ, बरेली में, और इनको बहुत फ़ायदा हुआ है, और ये चाहते हैं कि और भी किसान जो है वो इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। अभी हम एक और किसान के पास चलेंगे, ये हमारे साथ भाई हैं और इनका बैंगन का खेत है, हम वहाँ चल के इनके साथ वीडियो बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे से जो अभी आपने इसमें गलतियाँ की थी, अब ये फसल आप इसकी, इसी जो आपने इस्तेमाल किया है राम निवास से, जो दवाइयाँ आपने ली हैं, जो भी बायोफिट और स्टीम रिज वगैरह, ये अब जो फसल आप करोगे उसमें दोबारा इस्तेमाल करोगे शुरू से लेकर अंत तक? करेंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि इस्तेमाल करना चाहिए दूसरे लोगों को भी। ठीक है, मैं रविंदर सिंह राठौर, डिस्ट्रिक्ट बरेली, आप लोगों के साथ पूरा वीडियो मैं बना के दे रहा हूँ, और पूरी जानकारी आप लोगों को जो मिल रही है वो पूरी तरीके से सच है।